बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या हाल चाल हैं दोस्तों, खैरियत से हैं, ठीक ठाक, फिट फाट। मेरा नाम है मोहम्मद तहसीन अकरम और मेरे चैनल का नाम है WCNGY व्लॉग्स। तो कैसी तबीयत है आपकी यार? ठीक ठाक हैं आप लोग? सुबह सुबह कौन उठा है, किस किसने सैर की? सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात। और सुबह का आज मौसम बहुत प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है, बड़ी प्यारी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्के हल्के बादल भी हैं और बस बादल बहुत कम है, एक कहीं कहीं थोड़े पैचेस हैं बादल के, लेकिन मौसम बहुत प्यारा हुआ है रात से ना। तो कुछ दिन पहले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हबस थी और शदीद धूप थी, लेकिन आज जो है वो थोड़ा मौसम कदरे बेहतर है सुबह का। तो जैसे अब दिन चढ़ता है देखो क्या हालात होते हैं। तो मैंने कुछ ये पौधे लगाए हुए हैं यहाँ पर, तो आइए फिर पौधों को देखते हैं इनकी हालत क्या है अभी। तो ये है मेरा ग्रासी प्लॉट यार, आज बस पानी नहीं लगा सका, बस थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, नमाज़ पढ़ के आया हूँ तो रास्ते में दोस्त मिल गए, बस वहाँ खड़ा हो गया गप्पे मारने उनसे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये मेरा पौधे हैं जनाब साहब आम के, इस पर नई कॉम्पलियाँ खिल गई हैं, नए पत्ते आ गए हैं। बच्चे थोड़े शरारती हैं, खेलते हैं यहाँ पे आके, तो यार वो इनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, पत्ते तोड़ देते हैं। चलो नेक्स्ट टाइम जो है कल उनको थोड़ा समझाएंगे कि यार इनके पत्ते मत तोड़ा करें। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं ये भी अल्लाह की मखलूक हैं यार, जिंदा हैं, जानदार हैं, ये भी अल्लाह से शिकायत करते हैं यार, इन चीज़ों पर ख्याल करें यार। खेलें ज़रूर खेलें यहाँ पर आके, लेकिन यार इनके पत्ते मत तोड़ें आप, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और ये शहतूत का पौधा है, काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये दूसरे वाला है, ये तीसरे वाला है, और ये छाँव के लिए पौधा लगाया हुआ था, काफ़ी बड़ा हो गया ये भी। और ये देखें एक बड़ा दरख्त है शहतूत का, लेकिन यहाँ तक फल नहीं लगा, बस मैं इसलिए थोड़ा परेशान हूँ, फल क्यों नहीं लग रहा है इसके ऊपर। और ये छोटे छोटे पौधे लगाए मैंने, और ये है जी जामुन का पौधा, काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन जामुन की जो लकड़ी होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है, इस पर हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी टूट सकती है जी। दोस्तों तो यार मैं आज एक बड़े अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था। आजकल काफ़ी स्कैम हो रहा है, हालात थोड़े टाइट हैं आजकल हर बंदे के, तो वो इधर उधर लोग हाथ मारते हैं पैसा कमाने के लिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। आपको एक कॉल आएगी और पहले वो अपना बताएगा कि यार मैं आपका रिश्तेदार बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से या दुबई से, तो वो कहेगा आपने मुझे नहीं पहचाना, आप कहेंगे यार नहीं पहचाना, उसने कहा यार मर्ज़ी आपने मुझे पहचाना नहीं है याद करें, तो आपको फिर याद आएगा अच्छा यार आप फलां रिश्तेदार बात कर रहे हैं, वो कहेगा हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूँ। चीटिंग 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 करता है तू तो वो फिर ऐसे सलाम दुआ बढ़ाएगा, फिर आपसे कहेगा यार कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं आपको इस तरह करूँ कुछ पैसे भेजता हूँ, आप मेरे घर जो है वो भेज देना और बाकी कुछ पैसे आप इसमें इस्तेमाल भी कर लेना। क्या बोला तूने? और मैं अभी आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ, तो एक आपको एक मैसेज आएगा और आपको ये लगेगा यार कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं। अरे टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। उसके बाद जो है वो थोड़ी देर बाद फिर दोबारा कॉल आएगी आपको, फिर वो कहेगा यार कि मैं इस वक्त यहाँ हूँ, मैंने कफील के ना पैसे देने हैं वीज़े के, तो कफील मुझे तंग कर रहा है यार आप पैसे करो, मैंने आपको पैसे तो भेज दिए हैं, तो इसमें से ना आप इस तरह करो 1 लाख रुपया जो है मुझे आप अभी भेज दो, ठीक है मैंने 2 लाख भेज दिए आपको, आप 1 लाख मुझे भेज दो, 1 लाख रुपया आप इस्तेमाल कर लेना, पर मेरे घर ना बताना आप। ओ भाई मारो मुझे मारो मारो। तो आप एकदम परेशान हो जाएंगे कि यार मेरा रिश्तेदार है यार यहाँ पे फंसा हुआ है, पता नहीं कितनी मुसीबत में होगा, तो अभी आप सोच ही रहे होंगे इस बारे में, वो बार बार दूसरी कॉल फिर आएगी यार जल्दी करो यार वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है यार, उसने मेरा खरूज लगवा देना, वो मुझे छुरते के पास पकड़वा देगा, इस तरीके से वो आपको ना प्रेशराइज करेगा। तो आप इसी सिचुएशन में जो है ना प्रेशराइज होते 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 आप क्या करेंगे, आपको वो फिर एक PTCL नंबर से कॉल आएगी या लोकल पाकिस्तानी नंबर से कॉल आएगी यूफोन के नंबर से, तो वो कहेगा यार ये वो बंदा है इसके, आप इसको इस तरह पैसे इजी पैसा करवा दो, तो ये बंदा कफील का जानने वाला, तो ये उसको मना कर देगा, तो वो मेरे पे केस नहीं करेगा, मुझे पकड़ेगा नहीं। क्या बढ़िया था गुरु। तो आप क्या करते हो परेशानी में है, जो आप कुछ पैसे उसको भेज देते हो 10,000, 20,000, 30,000 इतनी वो डिमांड करता है, उसके बाद फिर उसकी कॉल आती है, वो कहता है यार ये पैसे कम है भाई, मैंने से बात की है तो इन पैसों पे नहीं मान रहा, आप ऐसे करो 50,000 और भेज दो, फिर आप 50,000 और भेज देते हो, फिर करते करते वो 2 लाख 3 लाख तक की गेम चली जाती है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं भी स्कैम में फंस गया था, लेकिन शुक्र है मैं सस्ते में मेरी जान छूट गई,
तो मेरे साथ भी ऐसा स्कैम होता है यार, आप लोग इस चीज़ का ख्याल करें, अगर ऐसा कोई भी स्कैम हो आपके साथ आता है, कोई फ़ोन कॉल आती है या फिर वो कॉल आती है आपको जितो पाकिस्तान से आती है या किसी भी नंबर से कॉल आपको आती है कि आपका इतना का इनाम लग गया है, आपके आपका जेवर सोने का सेट निकल आया है या आपकी गाड़ी निकल आई है, कुछ भी है अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो वेरिफिकेशन के लिए आपको इस तरह 2,000-3,000 रुपये आप यहाँ आप हमें इजी पैसा करवा दें, इजी रोड करवा दें या कुछ भी है हमारा अकाउंट में डलवा दें, तो प्लीज़ यार खुदारा आप ऐसा मत कीजिएगा। काफ़ी लोग भोले लोग हैं मेरे जैसे यार, जो पाकिस्तानी सीधे साधे हैं वो फंस जाते हैं बेचारे, मैं भी फंस गया था स्कैम के अंदर, तो यार आप इस स्कैम से बचें, मैं इसलिए आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ कि जो गलती मैंने की यार कम से कम वो आप ना कीजिएगा। और इसमें होता है ऐसा ही है, असल में आप मेंटली तौर पे इतना डिप्रेस हो जाते हैं, आप कहते हैं यार पता नहीं वो बंदा कितना मुसीबत में होगा, तो आप थोड़ा सा फील करते हो दर्द हो ना, तो आप उसको पैसे भेज देते हो, जब बाद में आपकी उससे बात होती है तो वो कहता है यार मैंने तो कोई कॉल नहीं की थी इस नाम से, मैं तो अब तो मेरे पास नंबर भी नहीं था आपका या इस तरीके से, तो आप फिर आपको पता लगता है यार कि आपके साथ धोखा हो गया, ओ चूना लगा दिया आप फंस गए। तो यार फंस तो मैं भी गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि यार मेरी जल्दी में जान छूट गई, सस्ते में जान छूट गई थी। तो आप लोग जो हैं ना इस तरह के स्कैम से बचें, कोई भी मसला हो कोई भी कॉल आए तो यार जिस बंदे का आपने इसको बताया है कम से कम उसको आप एक दफ़ा कॉल करके ना उसे कंफर्मेशन कर लें आप, ताकि एक डाउट ना रहे। इधर से आप पैसे भेज देंगे, अब उसको नहीं मिले आपने भेज दिए हैं, तो आपके और उसके दरमियान जो है वो इख्तलाफात पैदा होंगे, गलतफहमी पैदा होगी, तो उसमें एक रिश्ते में दरार भी आ जाती है कि मैंने तो देखो जी इसकी हेल्प की है और ये इस वक्त मान नहीं रहा, तो स्कैम होते हैं इस तरह के अक्सर। ये जो लोग बाहर गए हुए हैं तो ये उन लोगों के साथ स्कैम होते हैं जिनके कोई रिश्तेदार बाहर गए हुए हैं और जो लोग बेचारे फंस जाते हैं, तो ऐसे स्कैम से बचें आप लोग, ये बड़े ख़तरनाक स्कैम हैं। ये देखें जी सुबह सुबह का टाइम है, ये देखें जी परिंदे तार पे बैठे चहचहा रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत मनाजिर हैं, ये देखें और ये देखें इंजॉय कर रहे हैं परिंदे ये मौसम। बस हम इंसान जो हैं वो बड़े जालिम हैं और हम बड़े बेवकूफ़ हैं कि हम अल्लाह पाक की इस नेमत को जो है वो ज़ाया कर देते हैं जो सुबह सुबह का वक्त है, तो इसमें जो है ना कम से कम हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और वॉक करनी चाहिए और सुबह इस मौसम को एंजॉय करना चाहिए। आप वो मज़ा इसी में नहीं ले सकते जो कुदरती हवा के अंदर है, तो मेरी बात माने, ऐसे ऐसा आदत बनाएं सुबह उठें नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद अपने घर वालों के साथ बच्चों के साथ आप वॉक पर निकला करें ताकि उनकी भी एक रूटीन बने, वो भी हेल्थी सेहत जो है उनको मिले और आप लोग भी हेल्दी हों। जिससे इस तरह भी वक्त गुजर रहा है तो धूप ऐसा ऐसा तेज़ होगी और मौसम के अंदर जो है वो गर्मी की शिद्दत आना शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले पहले जो है आप इस मौसम का भरपूर इंजॉय कर सकते हैं, इसका मज़ा ले सकते हैं आप जी। दोस्तों तो ये अनार का पौधा है और इस पे अनार भी लगे हुए हैं माशाल्लाह, तैयार होने वाले हैं, और ये आम का दरख्त है इस पे आम लगे हुए हैं, देखने कुछ पीले पीले आम नज़र आ रहे होंगे, पक गए आम, बाकी बस कुछ पकने वाले हैं। और ये गार्डन कितना खूबसूरत है, जिसने भी ये गार्डन लगाया है बहुत प्यारा गार्डन है माशाल्लाह से, कि देख के ना आंखें ठंडी हो जाती हैं सुबह सुबह इसको देख कर। और ये है अंगूर की बेल लगी हुई है और इसके साथ जामुन का दरख्त लगा हुआ है, यहाँ पे जनाब ये खजूर का दरख्त लगा हुआ है और ये देखें कितनी ज़्यादा खजूरें लगी हैं माशाल्लाह से, बहुत प्यारा मंजर है खजूर खजूरें देखने का। जब ये पकेंगी ना तो मैं अंकल से कहूँगा यार अंकल प्लीज़ मुझे कुछ खजूरें दे खाने के लिए, क्योंकि कच्ची खजूर जो है ना जो भी तैयार हो रही होती है बड़ी मज़ेदार होती है और सेहत के लिए बड़ी मुफीद होती है, आप कभी कभी मौका मिले तो उसको आप ज़रूर खाएँ, उसे मज़े लें, लुत्फानंदोज़ हों। तो हमारे पाकिस्तान में ये अलमिया है यार कि हमेशा अच्छा फल कोई भी है वो पैकिंग होकर बाहर चला जाता है और पाकिस्तान में बिल्कुल लो क्वालिटी का होता है माल, तो हम लोग जो खाते हैं ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में जो है ना वो हमारे किसान थोड़ा लालच करते हैं, वो लोग इन्वेस्टर को देते हैं चीज़ें, इन्वेस्टर से ख़रीद के अपनी स्टैंप लगा के वो बाहर बेचता है, सस्ता लेके बाहर महंगा बेचता है, तो बस ये अलमिया है, अच्छी चीज़ खाने से हम रह जाते हैं।
तो कोशिश करें आप भी अपने घरों में ना फल वाले जिस पे फल लगता है ना वो पौधे लगाएं, ताकि इंसान भी खाएं, परिंदे भी खाएं, ठीक है, जानवर है, बकरी वगैरह है, जो सब्ज़ी खो जानवर हैं सब्ज़ा खाते हैं वो भी खाएं, इंजॉय करें, सेहतमंद हो, इसमें आपका फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा है, इससे अल्लाह पाक राज़ी होता है, अल्लाह की मखलूक राज़ी होती है तो अल्लाह राज़ी होता है। 2000 years later. मैं घर से निकला तो मुझे एक चीज नजर आई यार के रोड के ऊपर जो है ये भाईजन फालसे का शरबत बेच रहे हैं बगैर सेंस के, तो मैंने कहा यार क्यों ना खुद भी ट्राई करूँ और घर वालों को भी ट्राई करवाता हूँ। तो इनके पास बोतल नहीं थी 1.5 लीटर वाली, उनका बोतल लें तो मैं बना के देता हूँ आपको, तो मैं घर से बोतल ले आया था। ये 1.5 लीटर की बोतल मैंने भरवा दी है फालसे की, पहले मैंने ये गिलास भी किया चेक किया, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था, तो अब मैंने ये घर वालों के लिए फ़िलहाल 1.5 लीटर की बोतल लेके जा रहा हूँ, घर वालों को पसंद आया तो फिर और ले जाएंगे यहाँ से। ये है जी ओरिजिनल फालसा बगैर किसी केमिकल के, और ये भाई के पास फालसा ख़त्म हो गया था तो ये फिर मैं भाइयों को टेस्ट करवा रहे हैं जो बच गया है, जो बहुत अच्छी चीज़ है, जिनके पास पैसे नहीं होते वो उनको ये फ्री भी पिला देते हैं। काफ़ी लोग पीकर बैठे हुए हैं, लोग आ रहे हैं पी रहे हैं फालसे का गिलास, ये फ्री पिला रहे हैं यहाँ पे इनको, खिदमत खलक कर रहे हैं जी। दोस्तों तो आप बड़े बड़े ब्रांड्स पे जाते हैं, कभी कभी इस तरह की जो रेडियाँ होती हैं उन पर भी कभी कभी चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है, मैंने भी यहाँ, मुझे बहुत मज़ा आया, और आप भी ट्राई करें यहाँ पर आकर इनके पास। तो इनका मुकम्मल एड्रेस कल इंशाल्लाह मैं अपने ब्लॉग में आपको बताऊँगा, और आज तक के लिए इतना काफ़ी है, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज़।